हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, जब भी हम कोई हॉरर फिल्म देखते हैं तो अक्सर वहां पात्रों को कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हुए दिखाई जाती है जिसकी मदद से वो आत्माओं से संपर्क बना पाते हैं। इन सीन्स को देखकर अक्सर हमारे दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि क्या सच में ऐसी कोई प्रक्रिया है जिससे हम आत्माओं से संपर्क बनाकर उनसे बातें कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 ऐसे गेम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे खेलने के बाद कई लोगों ने आत्माओं से कांटेक्ट करने का दावा किया है। ध्यान रहे दोस्तों कि मैंने इन गेम्स को ना तो ट्राई किया है, ना ही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ट्राई करो, बल्कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप तक जानकारी पहुंचाने की मकसद से बनाई गई है। इसके अलावा मैंने इन सारे इंफॉर्मेशन को अलग अलग वेबसाइट से एकत्रित किया है, तो इनमें से कितनी बातें सच है इसका कोई मापदंड नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहूंगा तुषार त्रिवेदी को, जो हमारे लास्ट वीडियो कॉन्टेस्ट के विनर थे। सो नाउ विद दैट सेट, लेट्स रोल द इंट्रो। दोस्तों, यूँ तो इंटरनेट पे आपको ऐसी कई गेम्स मिल जाएंगी जो आत्माओं को हमारी दुनिया में बुला देने का दावा करती है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर गेम्स सिर्फ झूठी और गलत होती हैं। मैंने इस वीडियो में उन 5 गेम्स को चुना है जो लोगों के बीच सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और हर एक गेम को समझाने के बाद मैं आपको पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या वो सच में काम करती है या नहीं। ध्यान रहे कि मैं यहाँ किसी भी गेम की हिस्ट्री या फुल डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा करने से वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एवरी सिंगल गेम नीड्स अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर इटसेल्फ, और जल्द ही मैं उनकी डिटेल्ड वीडियोस अलग से लाऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ इन 5 गेम्स की सिर्फ बेसिक नॉलेज आप तक पहुँचाऊंगा। तो 5वें नंबर पे हमारे पास है मिडनाइट गेम। ऐसा माना जाता है कि मिडनाइट गेम किसी ज़माने में एक पेगन रिचुअल हुआ करती थी जिसे सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये गेम काफ़ी रिस्की है, क्योंकि अगर इसे खेलते वक्त कोई गलती हो जाती है तो लोग अपनी जान तक गंवा सकते हैं। मिडनाइट गेम को खेलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कैंडल की, एक प्लेन पेपर, एक माचिस की डिब्बी और थोड़ा नमक। तो इसके बाद खेलने वाले इंसान को प्लेन पेपर पे अपना पूरा नाम लिखना होगा और उसी पेपर पे अपने खून की एक बूंद गिरानी होगी। इसके बाद उसे अपने घर की सारी लाइट्स बंद करके उस पेपर को अपने घर के दरवाजे के सामने रख देनी होगी। नाउ इंसान को घर के दरवाजे पे 22 बार नॉक करके एक माचिस की तिल्ली जलानी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि 22वीं नॉक एग्जैक्टली रात को 12 बजे होनी चाहिए। इसके बाद प्लेयर को माचिस बुझाकर डोर ओपन करनी होगी, और ऐसा करते ही मिडनाइट मैन उस इंसान के कमरे में आ जाएगा। इसके बाद उस इंसान को माचिस की तिल्ली बार बार जलाकर मिडनाइट मैन से बचने के लिए अपना कमरा बदलते रहना होगा, और अगर ज़्यादा डर लगे तो वो इंसान नमक से एक सर्कल बनाकर उस सर्कल के अंदर सेफली रह सकता है। उस इंसान को सर्कल में तब तक बिना कुछ बोले बैठे रहना होगा जब तक रात की 3:33 पूरे न हो जाएं। अगर वो इंसान इस सर्कल से बाहर आएगा या फिर वो किसी तरह की आवाजें निकालेगा तो मिडनाइट मैन उस इंसान को उसकी ग्रेटेस्ट फियर्स के ड्रीम्स में कैद कर देगा, जिससे इंसान मेंटली अनस्टेबल हो सकता है। इतना ही नहीं, मिडनाइट मैन उस इंसान की जान तक ले सकता है। मैं पर्सनली इस गेम में बिलीव तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं इसे कभी ट्राई भी नहीं करने वाला हूं, और आपको भी यही सजेशन दूंगा कि आप भी इस गेम से दूर ही रहें। 4th नंबर पे हमारे पास है ब्लडी मेरी। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने ब्लडी मेरी के बारे में ज़रूर सुना होगा, और इंटरनेट पे आपने ब्लडी मेरी से जुड़ी कई वीडियोस भी देख रखी होंगी। इस प्रक्रिया में अगर कोई इंसान रात को 2:33 से लेकर 3:33 के बीच में अपने घर के किसी भी आईने के सामने एक कैंडल लाइट में 3 बार ब्लडी मैरी बोलता है तो ब्लडी मैरी उसे आईने की परछाई में दिख जाती है। इसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और ये जोरों से चिल्लाती है। कई लोगों का ये तक कहना है कि ब्लडी मैरी आईने से निकलकर उन पे हमला भी करती है। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन क्या इन बातों में कुछ सच्चाई भी है?
मैं पर्सनली ब्लडी मेरी में भरोसा नहीं रखता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर कोई इंसान इस प्रक्रिया को फॉलो भी कर ले तो कुछ नहीं होने वाला है। ब्लडी मेरी के हिस्ट्री से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसे आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास है चार्ली गेम। दोस्तों चार्ली गेम स्पेन में खेले जाने वाली एक बहुत ही फेमस गेम वेगो डीला लपेसेरा से काफ़ी मिलती जुलती है, और ये गेम मई 2017 में काफ़ी प्रचलित हुई थी। इट वॉज ट्रेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, और दुनिया भर में कई लोग इस चार्ली गेम को खेल रहे थे। इस गेम को खेलने के लिए आपको दो पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप किसी प्लेन पेपर के ऊपर इस फैशन में रखेंगे। पेंसिल्स रखने के बाद आप पेपर पे चार क्वाड्रेंट्स देख पाएंगे, जिनमें आपको यस या नो लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप एक साथ दो यस या दो नो नहीं लिख सकते हैं, ये दो शब्द ऑल्टरनेटिवली लिखे जाएंगे। अब गेम शुरू करने से पहले आपको चार्ली की परमिशन लेनी होगी, जिसके लिए आपको चार्ली से आर यू हियर पूछना होगा, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि चार्ली कैन वी प्ले द गेम। आपके ऐसा पूछते ही ऊपर वाली पेंसिल अपने आप हिलेगी और फिर वो यस या नो पे जाके रुकेगी। इस तरह से आप गेम शुरू कर सकते हैं, और आप चार्ली से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं जिसका जवाब चार्ली आपको यस या नो में ही देगा। गेम खत्म करने से पहले आपको चार्ली से पूछना होगा कि कैन वी स्टॉप दिस गेम, क्योंकि अगर आप चार्ली की परमिशन के बिना गेम छोड़ेंगे तो आने वाले कुछ घंटों में आपके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर होगा। अब दोस्तों ये गेम सुनने में काफ़ी सिंपल लगती है, और इसकी वजह यह है कि ये एक फालतू गेम है। ये गेम सुन के ही फ्रॉड टाइप लगती है, और मैं पर्सनली इस गेम में एकदम भरोसा नहीं करता हूँ। अब हालांकि कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस गेम को सक्सेसफुली खेला है, और आपको यूट्यूब पे भी जुड़ी इस गेम से काफ़ी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ये एक बकवास गेम है, एंड दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। दूसरे नंबर पर हमारे पास है द एलिवेटर गेम। इस गेम को कई लोग एलिवेटर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, और ये गेम हर उस बिल्डिंग में खेली जा सकती है जिसमें कम से कम 10 फ्लोर्स और एक एलिवेटर हो। इस गेम की ओरिजिन शायद कोरिया से हुई है, और इस गेम को भी कई लोगों ने ट्राई किया है। तो इस गेम को खेलने के लिए आपको बिल्डिंग के एलिवेटर में तब जाना होगा जब एलिवेटर के आसपास कोई भी ना हो। इसके बाद आपको एलिवेटर में बिल्डिंग के फ्लोर्स की कुछ इस सीक्वेंस में सिलेक्शन करनी होगी। 4, 2, 6, 2, 10 एंड देन 5। इस पूरे एलिवेटर ट्रिप के दौरान आपको किसी भी इंसान से बातें नहीं करनी है, और इनफैक्ट आपको एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इस गेम में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इसके बाद जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो एलिवेटर आपको अपने आप ही 10th फ्लोर पे ले जाएगी, जो कि हमारी दुनिया नहीं बल्कि एक दूसरी दुनिया होगी। इस दुनिया में आप अकेले होंगे, और यहाँ आपका सामना कुछ असाधारण शक्तियों से हो सकता है। गेम खत्म करने के लिए आपको वापस एलिवेटर में जाकर मेरी द्वारा बताई हुई सीक्वेंस में फ्लोर सेलेक्ट करने होंगे, एंड व्हेन यू फाइनली रीच द फर्स्ट फ्लोर आप इस गेम को एग्जिट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फर्स्ट फ्लोर पे एग्जिट करते वक्त आप अपने सराउंडिंग्स को ज़रूर चेक कर ले कि क्या सच में ये गेम खत्म हुई है या नहीं हुई है। अब दोस्तों इस गेम से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग इसी गेम को एलाइजा लाम के मिस्टीरियस डेथ का कारण मानते हैं। जिन्हें एलाइजा लाम के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि 19th of February 2013 को लॉस एंजेलिस के होटल में एलाइजा लाम की नेकेड डेड बॉडी मिली थी, जो कि इसी होटल के वाटर टैंक में पड़ी थी। डेथ के कुछ दिन पहले से ही एलाइजा मिसिंग थी, और उस होटल की सिक्योरिटी कैमरा फुटेजेस चेक करने पे हमें एलाइजा की एक अजीब सी फुटेज मिलती है, जिसमें वो एलिवेटर के अंदर से बार बार अंदर बाहर कर रही थी, और वो किसी अदृश्य वस्तु या इंसान से कम्युनिकेट भी कर रही थी। उसके हाव भाव थोड़े अजीब थे, और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि एलाइजा एलिवेटर गेम खेल रही थी। लेकिन कई लोग का ये तक कहना है कि एलाइजा को बाइपोलर डिजीज थी। अब सच्चाई क्या है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन मैं पर्सनली ये एलिवेटर गेम कभी नहीं खेलने वाला हूँ। जहाँ तक सवाल है कि क्या मैं इस गेम में भरोसा रखता हूँ, तो मेरा जवाब अगेन एक वीक नो होगा, क्योंकि मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी है जिनमें लोगों ने ये गेम खेल रखा है और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। बट स्टिल मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस गेम को ट्राई करो, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस गेम को कभी भी अपने लाइफ में ट्राई नहीं करने वाला हूँ। नाउ फाइनली पहले नंबर पे हमारे पास है उइजी बोर्ड गेम।
दोस्तों ये गेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल गेम है और इस गेम पे तो स्पेसिफिकली मूवीज भी बन चुकी है। इस बोर्ड गेम की मदद से इंसान किसी भी मृत इंसान की आत्मा को बुलाकर उनसे बातें कर सकता है। इस गेम को खेलने के लिए कम से कम दो लोग चाहिए और उन दोनों को एक अंधेरी और शांत जगह ढूंढनी होगी। इस जगह पे दोनों एक कैंडल जलाएंगे और वो लोग उजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए इस गेम को खेलना शुरू करेंगे। प्लेयर्स प्लान शीट का इस्तेमाल करते हुए कुछ इंचांटमेंट्स करेंगे जिससे स्पिरिट वहां आ जाए और वो स्पिरिट इस प्लान शीट को अलग अलग लेटर्स पे मूव करके कम्युनिकेट करेगी। इस गेम के दौरान आप स्पिरिट से मन चाहे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और स्पिरिट्स प्लान शीट को अपने आप हिलाकर आपके सारे सवालों की जवाब देगी। गेम खत्म करने के लिए आस्क द स्पिरिट टू एंड द गेम और आप उस स्पिरिट के गुड बाय कहने तक का वेट कीजिए। मोस्टली इस गेम में अच्छे स्पिरिट से हमसे कम्युनिकेट करती है, लेकिन कई बार हमने मूवीज में ऐसा देखा है कि कुछ बुरी स्पिरिट्स भी इस गेम के जरिए हमारी दुनिया में आकर हम पे हमला कर देती है। वेरोनिका फिल्म में ऐसा ही कुछ हुआ था और वो फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है। इनफैक्ट द एग्जॉर्सिस्ट फिल्म भी एक सच्ची घटना पे ही आधारित है और उसमें भी उजी बोर्ड का ही इस्तेमाल किया गया था। मैं पर्सनली उजी बोर्ड के गेम्स को मानता हूँ क्योंकि इससे जुड़ी कई ट्रू स्टोरीज मैंने पढ़ रखी है और मैं ये गेम कभी भी ट्राई नहीं करने वाला हूँ। आपकी ओपिनियंस मेरे से डिफरेंट हो सकती है एंड यू आर क्वाइट वेलकम टू टेल मी अबाउट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की कॉन्टेस्ट के लिए मेरा सवाल ये है कि मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कौन से कंपनी की स्पेसिफिक मॉडल के माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्हें इस सवाल का जवाब ज़रूर मालूम होगा और इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि hauntingtube@gmail.com पे ईमेल करके बताएं। जो भी इस सवाल का सही जवाब मुझे सबसे पहले देगा मैं उसके कमेंट को अपनी अगली वीडियो में पिन करूंगा, बशर्ते वो इंसान मेरी अगली वीडियो में कमेंट करे और उस कमेंट में कुछ अब्यूजिव वर्ड्स या हेट लैंग्वेज नहीं हो। सो मे द फास्टेस्ट पर्सन विन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। पीस।